प्रदेश में लंबे समय से खेल शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयासरत खेल डिग्री डिप्लोमा धारी युवाओं ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। सरकार से खेल शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मांग की। साथ ही खेल शिक्षा में प्रशिक्षित युवाओं का कहना था कि सरकार खिलाड़ियों से मेडल लाने की उम्मीद तो करती है, लेकिन खिलाड़ियों को प्राथमिक शिक्षा से तैयार करने के लिए स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। युवाओं ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया और नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शालाओं से ही खेल और योग शिक्षकों की भर्ती की जाए, मगर खेल शिक्षकों की भर्ती यहां पर नहीं की जा रही है। प्रदेश में 15 सालों से खेल शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। सरकार विभागीय स्तर पर शैक्षणिक स्टाफ से खेल गतिविधियों का संचालन कर रही है, जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों की गुणवत्ता खराब हो रही है। युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश गौर ने बताया कि हम सभी युवाओं के समक्ष सबसे बड़ा संकट इस समय ओवरएज का है। यदि आने वाले दिनों में भर्तियां नहीं आई तो हम में से कई युवा ऐसे हैं जो ओवरएज हो जाएंगे और ये फिर डिग्री और डिप्लोमा हमारे किसी काम का नहीं था। हमारी ये मांगे हैं कि पिछले 15 वर्षों से खेलकूद शिक्षक की वैकेंसी नहीं निकल के आई है, और आज जो कि हमारे खेल रत्न हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी पुण्यतिथि में जिनको याद किया जाता है, और अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं जिसमें सरकार इतना बड़ी भारतवर्ष इतना बड़ा जिसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी हम इतने कम मेडल लेके आ पा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हर स्कूल में प्राथमिक स्तर से ही खेलकूद शिक्षक की भर्ती की जाए, क्योंकि हमारी जो प्रदेश सरकार है अभी सबसे पहले प्रथम शिक्षा नीति लागू करने वाला, जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है, उसके बाद भी अभी तक खेलकूद शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। उसमें कहीं भी हम लोगों का खेलकूद शिक्षक की बात नहीं की गई है, जो पहले से ही शिक्षक थे केवल उन्हीं के पद सृजित किए जा रहे हैं। ये हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं और भविष्य में अगर खेलकूद शिक्षक की भर्ती नहीं निकलती है तो हम प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करेंगे। और कई लोग जो हम में से हैं वो लगातार इतने वर्षों से 15 साल जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा गैप है, और कई लोग तो जो ओवर एज हो चुके हैं, और हम अगर मांगे नहीं मानी जाती तो प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे।